इमाम के साथ लोग हैं, अभी भी लोग हैं जो इमाम के साथ होते हैं और आम लोग हैं, आम लोग। वो 313 तो जब इमाम आएंगे तो वो भी तैयार हो रहे हैं, उनमें से कईयों के नाम भी मौजूद हैं। फिर वो तो 313 जो है ना, वो बड़े आप समझ लें कि बड़े बड़े कमांडर हैं इमाम के, उनके नीचे हजारों के लश्कर हैं हर उसके पीछे, और हर शख्स ने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। लेकिन अभी भी इमाम के साथ कुछ दायरे हैं जो इमाम के साथ रहते हैं, इमाम के कामों को अंजाम देते हैं। कभी जिंदगी में आपको महसूस हुआ, मुझे नहीं पता होता है, कि आप मुश्किल में फंसे हो, आपने तवस्सुल किया हो, कोई शख्स आया हो आपको बचा के चला गया हो, जरूरी नहीं हर वक्त वो इमाम ही हो। वो लोग हैं जो इमाम के साथ होते हैं, इमाम उनको भेज देते हैं, जाओ इसकी मुश्किल हल करो। इसलिए हमें नहीं पता ना कौन इमाम के साथ हो सकता। अब हम क्या करें, क्या करें हम लोग कि हम किसी काबिल तो बने। जिंदगी गुजरती जा रही है, कब्र आमादा हो रही है। मैं तो अपनी बात करूंगा, कब्र सामने तैयार है इंसान की, इंसान को पता थोड़ी है अभी मरेगा कल मरेगा। क्या करूं, जिंदगी ऐसे ही गुजार दूं, कुछ ऐसा ना करूं कि मेरी जिंदगी में इमाम हो, मेरी सुबह शाम में इमाम हो, मेरे हफ्ते में एक दिन जुम्मे का दिन मुतवक्का जहूर का दिन है, क्या मैं जुम्मे को इमाम को याद करता हूं? कितनी देर याद करता हूं? कितने घंटे याद करता हूं? कितने घंटे याद करता हूं? फिर मैं ज़ियारत वारसा पढ़ता हूँ, ज़ियारत आशूरा पढ़ता हूँ, ज़ियारतें पढ़ता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ या लैतनी कुंतु माअकुम, ए काश हम आपके साथ होते तो कामयाब हो जाते। तो आवाज़ आएगी, काश क्यों कह रहे हो, इमाम तो है तुम्हारे साथ, क्यों नहीं इमाम के साथ हो जाते, क्यों नहीं हो जाते? तो मेरे दोस्तों कहाँ है इमाम जिंदगी में?